जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और मैं आज आपको सूरज के सुबह सुबह दर्शन कराऊंगी। आज ये देखो कैसे चुपके से धीरे धीरे निकल रहा है पहाड़ों के बीच से, और मैं पापा और कृष्णा आदित्य के साथ इन हसीन वादियों में घूमने आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है और इन पहाड़ों पे घूमना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अभी धूप काल है इसीलिए ये सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन जब ये बारिश होगी तो बहुत सुंदर दिखेगा। बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, आज भी हमारे खेत बहुत हरियाली है। अभी देखो ये भिंडी का खेत है और ये ठिबक सिंचन से लगाई हुई भिंडी है, और जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है भिंडी भिंडी हरी हरी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों साइड से यहाँ पे लगाई है एक ही इसी को। और मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इसको कितनी अच्छी सी फ्लावर्स आने वाले हैं अभी, और जहाँ पे फ्लावर्स बनेगा वहाँ पे भिंडी आ जाएगी। और ये बहुत बहुत हरी हरी भिंडी है, अभी एक भी पौधा ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं, केयरिंग करते हैं, तो बहुत अच्छे से आ जाती है। और अभी कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट हो जाएगी मार्केट के लिए। शुरू में हमने नहीं किया था सब्जी वगैरह कुछ भी, क्योंकि बहुत लॉकडाउन से परेशान है, मार्केट बंद है, तो उसको कोई रेट भी नहीं मिल रहा था मार्केट में। लेकिन कब तक चुप बैठेंगे ऐसे, तो फिर हमने थोड़ा सा लगा दी। और आज मॉर्निंग में हम घूमने आते हैं तो दिखा दी आपको। और अभी बच्चे कंपनी भी हमारे यहाँ पे गन्ना खा रहे हैं, और सुबह दूध पीना है सबको, तो अभी वेट कर रहे थे। आज थोड़ा सा लेट ही हुआ क्योंकि हम वहाँ पे बहुत घूमने लगे, और अभी बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ा। अभी उसका दूध पीने होने के बाद मैं मिल्किंग करूँगी और फिर दूध देंगे हम कृष्णा आदिति को। हम जब भी मिल्किंग करते हैं यशोदा माता को याद करते हैं, उनको नमन करके ही मिल्किंग करते हैं, इसीलिए दर्शन करके ही नमस्ते करते ही हम मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। और अभी फटाफट से मिल्किंग करेंगे और आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनो। और मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे काम होते हैं मिल्किंग करने के बाद। अभी हम आज हम आपको मॉर्निंग रूटीन से लेकर इवनिंग तक हम क्या करते हो दिखाएंगे। अभी देखो यहाँ पे कृष्णा आदिति खड़े हैं और यहाँ पे सोनू मोनू खड़े हैं। कब मैं दूध निकालूंगी और इनको दे दूंगी। ऐसे ही होता है कि हम लोगों के यहाँ पे आज लेट हुआ तो सब बहुत परेशान हो गए कि आज क्या हुआ। अभी उनको फ्रेश
उनको दूध पिलाते हैं और फिर हम घर में जाएंगे, उनको दूध देंगे, चाय बनाएंगे और फिर सब्जी रोटी बनाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। बाकी सब काम ख़त्म करने के बाद फिर हमारे खेत के काम स्टार्ट होते हैं। तो अभी इनको दूध पिला रहे थे, अभी इनको दूध पीने के बाद घर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतना सुकून मिलता है सुबह मॉर्निंग में, घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हमने कहा ना है, बार बार कहते हैं कि हम घर से ज़्यादा आंगन में होते, और अभी तो धूप काल है तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं साथ में, सोनू मोनू भी है, और तो अच्छा लगता है सब। अभी बहुत टाइम पास हो चुका है, अभी बहुत सारे काम पड़े मेरे, तो फटाफट से निपटाते हैं फिर उनको भी। बच्चों का क्या है, खेलते ही रहते हैं दिन भर। और अभी तो कोरोना ने उनको साल भर की छुट्टियां दे दी है। और अभी हमारे खेत में मैंने कहा था ना कि मॉर्निंग से इवनिंग तक हम बताएंगे, और अभी इवनिंग टाइम पे एक जो हमने फर्टिलाइजर्स परचेस किए हैं उनको अभी ला रहे, यानी कि गोबर के ट्रैक्टर भर भर के हमारे खेत में डाले जा रहे हैं अभी, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो खेत बहुत अच्छे रहते हैं और फसल भी अच्छी आती है। और बिना केमिकल के फसल लाना बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि अभी बहुत सारी बीमारियाँ आ चुकी है, तो उनके लिए ये बिल्कुल सही है कि हम और आपने देखा था लास्ट वीडियो में हमने कितने उसे दबा दबा के भरा हुआ था, तो ये इतना ऊपर करने के बावजूद भी निकल नहीं रहा था, तो उसे हेल्प करनी पड़ेगी उसे नीचे गिरने के लिए। तो अभी उसको मदद चाहिए, तो फावड़ा लाने पड़ेगा और इसे थोड़ा सा खिसकाना होगा, तब जाके ये नीचे गिरेगा। और ऐसे कब तक खड़े रहेंगे, ये तो हो नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, खुद करनी पड़ती है, तो इसका भी सोल्यूशन निकालना होगा। तो अभी लाते हैं इसको भी सोल्यूशन। तो फिर इसे फावड़े से थोड़ा सा खिसकाया, तो फिर ढीला कर दिया यहाँ से ताकि वो नीचे आ जाए। थोड़े इसके हम चार पांच जगह पे डालेंगे ताकि ये खेत में फैलाने में आसानी हो। और जब मैं उसे खिसका रही थी तो बहुत सारा पड़ा, तो मुझे डर भी लग रहा था कि ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ट्राली ऊपर कर चुके हैं और इसे, अरे लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से भाग जाती हूँ फिर से। तो इसी तरह से खाली कराते हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा भर गया है तो इसी वजह से ऐसा हो रहा था दबा दबा के भरने से। तो अभी खाली किया। यदि आपको हमारे विलेज के वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर ऐसे आपके लिए नए नए वीडियोस और हम लोगों के खेत के रियल काम क्या होते हैं, कि रियल विलेज लाइफ क्या होती है, यही दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कोई ड्रामा नहीं दिखाते हैं, बस जो रियल लाइफ है उसी को दिखाते हैं। तो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।